Hello viewers and my dear students, welcome in my channel Let's Integrate. आज हम पढ़ेंगे लेक ओबेरॉन के बारे में. ये सिस्टम बैक्टीरिया में पाया जाता है और जिसकी खोज सबसे पहले जेकब एंड ओनोर ने की 1961 में. जेकब एंड ओनोर 1961 में इन्होंने लेक ओबेरॉन की खोज की. लेक का मतलब होता है यहाँ पर लेक्टोज और ओबेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन्स. ओबेरॉन का ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसको किस तरह से लिया गया है. यहाँ पर ओबेरॉन जो है वो वाले जीन्स हैं जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया ओबेरॉन. इसकी डेफिनेशन है द लेक ओबेरॉन इज एन ओबेरॉन और ग्रुप ऑफ जीन्स. यहाँ पर ग्रुप ऑफ जीन्स आ रहा है विद अ सिंगल प्रोमोटर. यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम किसके पास है? प्रोमोटर के पास में है. और ट्रांसक्राइब एज सिंगल mRNA, क्योंकि हमारा लास्ट में एम क्या है कि ऐसे एंजाइम्स बने जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें. जनरली जो बैक्टीरिया होता है उसका जो फेवरेट फूड होता है वो ग्लूकोज होता है, और लैक्टोज को हजम करने के लिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है. सपोज देखिए, अगर आपके पास बर्गर या पिज़्ज़ा हो तो आप क्यों मेहनत करके खाना बनाने की कोशिश करेंगे? आप अपना फेवरेट फूड ही खाएंगे. सेम इसी तरह से बैक्टीरिया में भी उसका फेवरेट फूड ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड शुगर है, मोनोसैकेराइड. जबकि लैक्टोज क्या है? यहां पर होता है डाइसैकेराइड शुगर. तो इस डाइसैकेराइड शुगर को इसको तोड़ने में मेहनत करना पड़ती है. जबकि ग्लूकोज क्या है? यहां पर मोनोसैकेराइड का फेवरेट फूड है, इसलिए इसको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती. जब लेक ओबेरॉन सिस्टम जो है या तो ऑन होता है या ऑफ होता है. अगर ग्लूकोज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ये सिस्टम कभी भी काम नहीं करेगा. ये सिस्टम हमेशा ऑफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर जीन्स वर्क नहीं करेंगे. और जैसे ही एटमॉस्फेयर से ग्लूकोज इसके पास नहीं अवेलेबल होगा और अगर लैक्टोज है, डाइसैकेराइड शुगर है, तब जाकर लेक ओबेरॉन के जीन्स एक्टिव हो जाएंगे. वो काम करना शुरू करेंगे और इसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेंगे? mRNA का फॉर्मेशन करेंगे. और mRNA से क्या बनेगी? एंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा. अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जेनेटिक सिस्टम काम करता है, किस तरह से जीन्स काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर. और लेक ओबेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में पाया जाता है. या तो हम प्रोकैरियोट्स कहें या फिर हम कहें बैक्टीरिया, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं. बैक्टीरिया का मतलब ही प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स का मतलब ही बैक्टीरिया है. तो देखते हैं किस तरह से लेक ओबेरॉन बैक्टीरिया में काम करता है. ये वाला डायग्राम किस तरह से बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किया जाता है वो शो करता है, किस तरह से जीन ऑन होते हैं या सिस्टम ऑफ होता है. अगर मीडियम में ग्लूकोज है यानी कि बैक्टीरिया का फेवरेट फूड है, तो ये सिस्टम लेक ओबेरॉन हमेशा ऑफ रहेगा, कभी भी वर्क नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही ग्लूकोज खत्म है और अगर सराउंडिंग मीडियम में लैक्टोज है तो बैक्टीरिया उस पर मेहनत करता है और तब ये वाला सिस्टम ऑन हो जाता है, अदरवाइज कभी भी ये चालू नहीं रहता है. यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, ये उसका DNA है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड DNA. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड DNA मीन्स नेकेड DNA, क्योंकि इसके चारों तरफ सराउंडिंग वॉल नहीं होती, इसीलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल से अलग डिफाइन करते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो DNA मटेरियल है वो सेल के अंदर इसी तरह से बिखरा हुआ पड़ा रहता है. ये चारों तरफ से इसके पास हाउस नहीं होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. दैट इज व्हाई वी से वी कॉल इट न्यूक्लियोइड यानी कि नेकेड DNA. यहाँ पर ये देखिए प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये वाले स्ट्रक्चरल जीन्स हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं? लेग जेड वाई ए, ये वाले इसके कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है, और दिस इज कैप बाइंडिंग साइट. अब मैं बताऊंगी कि किस तरह से काम होता है. तो बैक्टीरिया का जो लेक ओबेरॉन है इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें रेगुलेटरी जीन का मेन रोल है. यहाँ पर रेगुलेटरी जीन का काम होता है mRNA बनाना, और mRNA से बनता है रिप्रेसर प्रोटीन. रिप्रेसर प्रोटीन का काम ये होता है कि ये जाकर इसमें स्पेसिफिक साइट्स होते हैं और वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑपरेटर को. जैसे कि लॉक एंड की होता है, एंजाइम्स उसी जगह पर जाकर स्टिक करते हैं जहाँ पर उनके बाइंडिंग साइट्स होते हैं. सेम इसी तरह से ये रिप्रेसर प्रोटीन होती है, ये कहाँ बाइंड करती है? जाकर ऑपरेटर पर, क्योंकि ये सिर्फ इसी के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है. जैसे ही ये यहाँ बाइंड करती है, यहाँ पर होता है प्रमोटर,
और हमेशा ध्यान रखिए प्रोमोटर पर ही जाकर पी फॉर प्रोमोटर एंड पी फॉर पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पर जाकर स्टिक होता है? प्रोमोटर पर। जैसे ही जिस तरह से ट्रेन होती है और ट्रेन पर जो रेल की पटरियाँ होती है उस पर गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो किस तरह से जाती है? अगर उसके बीच में किसी भी तरह का अवरोध आ जाए, कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिससे वो आगे ना बढ़ सके, तो वो वहीं रुक जाती है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ऑपरेटर है बीच में, ये ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन आकर अगर स्टिक हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पर आकर बाइंड करता है प्रोमोटर पर तो ये आगे नहीं बढ़ पाता, और इसके आगे ना बढ़ने से जब तक ये यहाँ पर इनको रीड नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं होगा और ये सिस्टम ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर खत्म हुआ और लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज के आते ही ये सबसे पहले कहाँ बाइंड करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन पर बाइंड करेगा। सराउंडिंग मीडियम से आया लैक्टोज, ये लैक्टोज है, ये इससे बाइंड करेगा जो रिप्रेसर प्रोटीन है, और इसका क्या होगा? इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। ये अपना शेप जैसे ही चेंज करेगा वैसे ही इसका ये अपनी जगह को लूज कर देगा, तब ये ऑपरेटर पर बाइंड नहीं रह जाएगा, तब ये वापस से ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से बाइंड किया हुआ है, लेकिन जैसे ही लैक्टोज आया यहाँ बाइंड किया इसको, इसका कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं एलोस्टेरिक कंट्रोल, एलोस्टेरिक कंट्रोल। किसमें पाया जाता है? लेकोपेरॉन में। तो यहां पर ये जब अलग हो जाएगा, जैसे ही यहां से अलग होगा, आरएनए पॉलीमरेज आकर कहां स्टिक होगा? प्रमोटर पर। उससे पहले आरएनए पॉलीमरेज एकदम से आकर यहां पर प्रमोटर पर स्टिक नहीं होगा। जैसे ही ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, सेल के अंदर बनेंगे हंगर मॉलिक्यूल्स। हंगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सी ए एंड पी, मींस साइक्लिक एडिनो मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ये अपने कहलाते हैं हंगर मॉलिक्यूल्स, हंगर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यहां पर सी एम पी का फॉर्मेशन होगा, और देखिए प्रमोटर से ठीक पहले कैप बाइंडिंग साइट। कैप बाइंडिंग साइट का क्या काम है कि यहां पर सेल के अंदर होती है कैप प्रोटीन्स, सी ए पी यानी कि कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। इनका मेन रोल क्या है? कैटाबॉलिज्म में हेल्प करना। किसके कैटाबॉलिज्म में हेल्प करना? लैक्टोज के। तो यहाँ पर ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन्स होती है सेल के अंदर, लेकिन वो डायरेक्ट काम नहीं करती, एक्टिवेट नहीं होती। कब तक एक्टिवेट नहीं होती है? जब तक कि सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन नहीं हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर डाउन होता है, यहाँ पर सीएमपी का फॉर्मेशन एकदम तेजी से होने लग जाता है सेल के अंदर, और ये हंगर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, यानी कि भूख लग रही है, खाना दो। जैसे ही सीएमपी का फॉर्मेशन होगा, ये जाकर किसके साथ स्टिक करेगा? सीएपी के साथ। इसकी बाइंडिंग किसके साथ होती है? सीएपी के साथ, मींस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाकर किससे स्टिक करेंगे? कैप बाइंडिंग साइट से। जैसे ही कैप बाइंडिंग साइट से ये अटैच होंगे जाकर, ये यहाँ पर प्रमोटर रीजन पर वापस से कन्फर्मेशनल चेंज करेंगे, डीएनए के अंदर चेंज करेंगे, और यहाँ पर साइट अवेलेबल करवाएंगे किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। तब जाकर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ क्या करेगा? स्टिक हो जाएगा। आपकी गाड़ी, आपकी ट्रेन तैयार है, ये यहाँ से हट ही चुका है, और इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जैसे ही एक जीन ट्रांसक्राइब होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिए जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिंगल एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं होगा कि लेग जेड जो है वो अपना एक एमआरएनए बना रहा है, वाई अपना एमआरएनए बना रहा है और ए अपना अलग बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यही होता है कि हर जीन अपना ही प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर सारे जीन्स एक साथ मिलकर ट्रांसक्राइब कर रहे हैं एमआरएनए में, और एमआरएनए अपने आप को ट्रांसक्राइब किसके अंदर कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड्स या एंजाइम्स। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन कर रहा है ट्रांसक्राइब? एमआरएनए कर रहा है। अब यहाँ पर दो एंजाइम्स के तो हमें रोल्स पता है, लेकिन इसका रोल अभी तक अननोन है कि इसका मेन रोल क्या है, लेकिन हमें मान सकते हैं कि इसकी
इस ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो परमिएज है उसका रोल क्या है, परमिएज का रोल है परमिएबिलिटी, यानी कि सेल की परमिएबिलिटी को मेंटेन करना, लैक्टोज का जो डिसॉल्व होना है किस तरह से सेल के अंदर जाएगा, डिसॉल्व होगा, उसकी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करना है। गैलेक्टोसाइनेज जो एंजाइम है यहाँ पर लेग्स है, यहाँ पर किसकी हेल्प कर रहा है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से बैक्टीरिया में ये वाला पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जब स्टिक हो जाएगा तो वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर अब जो ये तो हुआ सिंगल एमआरएनए, इसको हम यहाँ पर जो एमआरएनए बन रहा है उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। जब पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जब एक एमआरएनए से बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है तो कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और यूकैरियोटिक में कैसा सिस्टम पाया जाता है, किस तरह का होता है, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक पाया जाता है क्योंकि यहां पर एक जीन एक एंजाइम को बनाने का काम करता है, एक एमआरएनए से एक ही एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। तो ये था हमारा लेकोपेरॉन के बारे में। इस बेहतरीन काम के लिए जो जेकब और मोनोट थे उनको 1965 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया और उन्होंने पेरिस के पास्टर इंस्टीट्यूट में इस पर काम किया। तो डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं।